सो दोस्तों, क्या आपके भी इस तरीके से इंप्रेशन डाउन हो रहे हैं? फ्रेंड्स देख सकते हैं कि मेरे 28 दिन के अंदर फ्रेंड्स कितने इंप्रेशन डाउन हो गए, ठीक है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स 7 दिन के अंदर भी देख सकते हैं कि मेरे कितने इंप्रेशन डाउन हो गए। फ्रेंड अगर इस तरीके से आपके भी इंप्रेशन डाउन हो रहे हैं तो प्लीज़ यार वीडियो पे एंड तक बने रहे। एंड फ्रेंड्स बता दूं कि उससे पहले अगर मेरे चैनल पे फर्स्ट बार विजिट किया हो तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कीजिए एंड फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो दोस्तों, जैसे मान लो कि आप लंबे टाइम से लॉन्ग वीडियो बना रहे हो फ्रेंड्स इस तरीके से, और फिर आपने अचानक से शॉर्ट वीडियो 3-4 वीडियो शॉर्ट वीडियो अपलोड कर दी, ठीक है फ्रेंड्स, जैसे एक मिनट से कम की वीडियो, और फ्रेंड्स उस पर जैसे व्यूज़ भी मेरे देख सकते हैं कि लॉन्ग वीडियो पे फ्रेंड्स कितने व्यूज़ थे और शॉर्ट वीडियो पे इतने ही व्यूज़ है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरीके से अगर आपके व्यूज़ इस तरीके से डाउन हो जाते हैं तो फ्रेंड्स आपके जो इंप्रेशन है वो अचानक डाउन होने लग जाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। इस तरीके से इंप्रेशन डाउन काफ़ी होने लग जाते हैं। और फ्रेंड्स इंप्रेशन को डाउन होने से बस एक ही तरीके से हम रोक सकते हैं कि फ्रेंड्स हमें जो अपना कैटेगरी है फ्रेंड्स वीडियो की उस पर जो लेंथ है वीडियो की फ्रेंड्स उसको कभी भी दो मिनट से ऊपर ही रखना है, ठीक है, और कभी शॉर्ट वीडियो नहीं डालना। अगर आपको शॉर्ट वीडियो डालना ही है तो फ्रेंड्स आप अपना एक शॉर्ट चैनल ओपन कर लीजिए जिसमें आप शॉर्ट वीडियो डाल सकते हैं, और फ्रेंड्स जो लॉन्ग वीडियो डालते हैं फ्रेंड्स चैनल पर उस पर आपको शॉर्ट वीडियो नहीं डालना है, ठीक है फ्रेंड्स। आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा हो।